हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम संतोष पंत है, मैं आपका दोस्त जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग। तो आज हम आ गए हैं अपने चैप्टर 8 के ऊपर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में। अब ये इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज का चैप्टर हमने आज क्यों चूज़ किया है, इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि जब हम यहाँ मेडिकल बिलिंग की बात करते हैं, तो जैसे ही मेडिकल बिलिंग की शुरुआत हुई हमारे यहाँ इंडिया में आने के लिए काम के, तो जो हम मैक्सिमम जो हमारे पास काम आया वो आया इवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट का। ये एक तरह की कंसल्टेशंस होती हैं जो डिफरेंट डॉक्टर्स पेशेंट को देते हैं, और कोई भी आगे फर्दर ट्रीटमेंट होता है तो पहले आप ये कह सकते हैं कि कंसल्टेशंस होना बहुत ज़रूरी है। इवेल्यूएट करना पेशेंट्स को, क्या बीमारियाँ हैं, क्या डिजीज है, फिर उसका मैनेजमेंट करना है कि उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, क्या उसको मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जाएगा या उसे कुछ सर्जरीज हम रिकमेंड करेंगे या कुछ टेस्ट रिकमेंड करेंगे। ये सभी डिसीजन इवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट के अंदर ही डिसाइड होते हैं। तो यह सबसे आप ये कह सकते हैं कि इनिशियली जो पेशेंट्स के साथ ट्रीटमेंट होता है वो इवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज का ही होता है। तो हमें इसको समझ लेना है, क्योंकि आगे जो हम डिनायल जो आएंगे उनके लिए हमको अब काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर हम इवेल्यूएशन मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से जान दें कि क्या चीज़ क्या होती है, तो आप डिनायल्स के ऊपर बहुत इजीली काम कर पाएंगे। अब मेरे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको जिस तरह से नए नए चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा, उसी के साथ मैं आपको जो डिफिकल्टीज हमारे एआर के लोगों को आती है, जो डिनायल्स वो फेस करते हैं, वो सभी मैं आपको मैं साथ ही साथ बताता रहूंगा, जिससे कि आपको आपके डिनायल्स के क्वेश्चन भी सॉल्व होते रहेंगे। बट देखिए, चैप्टर वाइज चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगेनिंग से जैसे हमने स्टार्ट किया था, अब हम धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं। अगर हम सडनली ही डिफिकल्ट चीज़ों के ऊपर आ जाएंगे तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, बीच में काफ़ी चीज़ें छूट जाएंगी हमारी। इसलिए मैं प्रोसेस वाइज चलना चाहता हूँ, जिससे कि हम लोग को चीज़ें ईजिली समझ में आए और हम आगे अपने प्रोसेस में काम कंटिन्यू रख सकें। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर 8 के ऊपर चलते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं इवेल्यूएशन मैनेजमेंट सर्विसेज की। अब इसमें आप जान लेते हैं न्यू पेशेंट्स कौन होते हैं। अभी शुरुआत के वीडियो में हमने जान लिया था कि पेशेंट्स किसे कहा जाता है, प्रोवाइडर किसे कहा जाता है। अब पेशेंट्स की भी क्लासिफिकेशन होती है जब हम बात करते हैं इवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट की। तो न्यू पेशेंट क्या होते हैं, पहले इसकी डिफिनेशन हम जान लेते हैं। न्यू पेशेंट्स, अ न्यू पेशेंट इज वन हु हैज नॉट रिसीव्ड एनी प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ द सेम स्पेशलिटी इन द सेम ग्रुप विद इन द पास्ट 3 ईयर्स। इजी करने के लिए, कभी भी कोई पेशेंट जब डॉक्टर के पास पहली बार आ रहा है, तो वह उस डॉक्टर के लिए, वो डॉक्टर के लिए वो पेशेंट न्यू पेशेंट कहलाएगा, अगर वो पहली बार उसके पास आ रहा है या उसको वो किसी भी लोकेशन में डॉक्टर देख रहा है और वो उसकी स्पेशलिटी भी सेम है। अब ये स्पेशलिटी का मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगी, स्पेशलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है और जो लिखा है इसमें इन द सेम ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। न्यू पेशेंट यूजली वही होता है जो पेशेंट पहली बार देखा जाता है डॉक्टर द्वारा। ये इसकी क्लासिफिकेशन न्यू पेशेंट की इसलिए अलग से बनाई गई है क्योंकि इवेल्यूशन मैनेजमेंट में न्यू पेशेंट के लिए डिफरेंट जीपीटी कोड्स हैं। तो जैसे कि अगर एआर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको कहती है कि न्यू पेशेंट क्वालिफिकेशन डज नॉट मीट, तो दैट मीन्स कि हमारा सीपीटी कोड गलत है। उस केस में हमें देखना होता है कि ये पेशेंट डॉक्टर के लिए एक्चुअल में न्यू है या ऑलरेडी ये पेशेंट इस्टेब्लिश पेशेंट है। नेक्स्ट टर्म मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपको और ज़्यादा फर्दर क्लियर हो जाएगा। इसी टर्म में अगर हम मैं बात करूँ न्यू पेशेंट की, अगर विद इन द 3 ईयर्स वो पेशेंट डॉक्टर द्वारा देखा जा रहा है, तो वह न्यू पेशेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वह पेशेंट 3 साल के गैप के बाद दोबारा उस डॉक्टर के पास जाता है, तो वह उसी डॉक्टर के लिए दोबारा से एक न्यू पेशेंट हो जाएगा। बिकॉज 3 साल का गैप काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, इसमें हो सकता है पेशेंट की मेडिकल कंडीशन चेंज हो गई हो, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इवेल्यूशन दोबारा चाहिए हो, कि उसको जानना हो, मेडिकल हिस्ट्री जाननी होगी डॉक्टर को कि अब पेशेंट को कोई नई बीमारी अराइज तो नहीं हो गई है। इसलिए न्यू पेशेंट का क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है, 3 साल के बाद पेशेंट दोबारा से न्यू हो जाता है अगर 3 साल का गैप हो जाता है डॉक्टर के साथ। सीपीटी कोड जो होते हैं न्यू पेशेंट्स के, यूजुअली ऑफिस में जब पेशेंट को ऑफिस में देखा जाता है, तो 99201 से लेकर 205 तक सीपीटी कोड बिल हो सकते हैं। अगर आपके आप अगर एआर पे काम कर रहे हैं और आपका इनमें से कोई क्लेम डिनाए है, तो
तो आपको ये देखना होगा कि क्या ये पेशेंट रियल में न्यू है या पेशेंट ऑलरेडी इस्टैब्लिश था। अब इस्टैब्लिश का जो डेफिनेशन है वो इसी से मिलता जुलता है। अ पेशेंट हु हैज़ रिसीव प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ द सेम स्पेशलिटी इन द सेम ग्रुप विद इन द पास्ट 3 ईयर्स। इसका मतलब बिल्कुल ऊपर जैसे न्यू पेशेंट के बारे में बताया गया उससे रिलेटेड है। अगर पेशेंट 3 साल के गैप के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स कि अगर वो लास्ट मंथ भी आया था, इस महीने भी आया है, और या 6 महीने पहले आया था, या आप पूरा 36 मंथ या 3 साल का गैप ले सकते हैं। अगर 3 साल के अंदर पेशेंट रेगुलर डॉक्टर के पास आ रहा है तो वो इस्टैब्लिश पेशेंट कहलाएगा और उसके CPT कोड चेंज हो जाएंगे, वह होंगे 99211 से लेकर 99215। ये जो लेवल्स होते हैं CPT कोड के, इन लेवल्स को डिसाइड करने के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा जब हम कोडिंग के चैप्टर्स करेंगे। सिंपल करने के लिए मैं आपको दोबारा बता देता हूं, अगर पेशेंट डॉक्टर के पास पहली बार आया है या विद इन 3 साल के गैप के बाद आया है तो वह न्यू पेशेंट कहलाएगा, और अगर वह 3 साल के अंदर डॉक्टर के पास आ रहा है तो वह इस्टैब्लिश पेशेंट कहलाएगा उस डॉक्टर के लिए, बशर्ते डॉक्टर की स्पेशलिटी सेम हो। हम ये प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर ऐसा ही नहीं है कि हम केवल ऑफिस में ही पेशेंट को देखते हैं, हो सकता है कि हमने किसी या डॉक्टर ने उस पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में भी देखा है और उसके बाद, या पहले ऑफिस में देखा उसके बाद उसने हॉस्पिटल में रिकमेंड कर दिया, तो अगर वह पेशेंट उसने ऑफिस में देख लिया है तो वो पेशेंट इस न्यू पेशेंट की क्वालिफिकेशन मेट कर जाएगा। और अगर नेक्स्ट डे अगर डॉक्टर उस सेम पेशेंट को हॉस्पिटल में देखता है तो वो हॉस्पिटल में डॉक्टर के लिए इस्टैब्लिश पेशेंट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर डॉक्टर ने पेशेंट को पहले हॉस्पिटल में देखा है, उसको ट्रीट किया है, देन बाद में उसके फॉलोअप के लिए उसे अपने ऑफिस में बुला रहा है, तो फिर हॉस्पिटल में जब इनिशियली उसे देखा था तो वह न्यू पेशेंट हॉस्पिटल में हो जाएगा डॉक्टर के लिए। देन जब ऑफिस में आना शुरू करेगा पेशेंट अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपनी मेडिकेशन चेंज कराने के लिए या अपने प्रोग्रेस दिखाने के लिए, तो वह वहां पर इस्टैब्लिश कहलाएगा। तो यह कंसर्न काफी आता है हमारे पास, क्लेम्स डिनाई हो जाते हैं न्यू एंड इस्टैब्लिश रीजन की वजह से। तो हमें यह पता होना चाहिए कि पेशेंट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली पेशेंट न्यू है या इस्टैब्लिश है। कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह जानना जरूरी है कि पेशेंट न्यू है इस्टैब्लिश है, क्योंकि यह CPT कोड डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा CPT कोड बिल करना है पेशेंट की स्टेटस के अकॉर्डिंगली। पेशेंट अगर न्यू है तो 99201 से लेकर 205 तक CPT कोड बिल हो सकते हैं ऑफिस में, और अगर इस्टैब्लिश है तो 99211 से लेकर 99215 तक क्लेम बिल हो सकते हैं। तो ये जो 3 साल का डिफरेंस है ये हमेशा आपको याद रखना है। अब हम हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज क्या होती है। यूजुअली जो इमरजेंसी सर्विसेज होती है यह पेशेंट को हॉस्पिटल में दी जाती है। हर हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है जहां पर पेशेंट को प्रायोरिटी पे किसी ट्रॉमा के केस में या किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के, सबसे पहले इमरजेंसी केस में देखा जाता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि पेशेंट को कहां रेफर किया जाएगा हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। इमरजेंसी सर्विस की डेफिनेशन होगी, अनशेड्यूल्ड सर्विसेज रिसीव्ड अंडर इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल फॉर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन विद इन 24 आवर्स। इसका मतलब यह है कि अनशेड्यूल सर्विसेज, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यूजुअली स्केड्यूल सर्विसेज नहीं होती है कि पेशेंट ने प्लान किया है कि उसे कोई सर्जरी करानी है तो वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट नहीं जाएगा। यूजुअली जो अनशेड्यूल सर्विसेज होती है, जैसे कि किसी को सडनली कोई हार्ट अटैक आता है या कोई ट्रामा केस होता है या कोई पेशेंट फॉल हो जाता है, इंजरी हो जाती है उसकी, या कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी प्रकार का, तो उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट लिया जाता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट का काम होता है पेशेंट को जो भी फर्स्ट एड है वो दिया जाए, उसके प्लानिंग किया जाए। डॉक्टर वहाँ पे जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का जो जो भी अर्जेंसी है, जो इसके ट्रीटमेंट करना है, वो क्या हम वो छोटी है या बड़ी है, हमें उस पेशेंट को उसके लिए एडमिट करना होगा या हमें उसको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तो ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट का काम होता है इसको देखना। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हमारे जो CPT कोड बिल होते हैं वो यूजुअली 99281 और 99285 बिल होते हैं। अगेन ये काफी सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि CPT का लेवल क्या होगा। CPT के लेवल बनाने का मतलब ये है कि यूजुअली हम कह सकते हैं कि टाइम बेस्ड CPT कोड भी होते हैं जो मेन फैक्टर होता है। तो अगर 99281 डॉक्टर बिल करता है, इसका मतलब उसने पेशेंट को जल्दी ट्रीट कर दिया, तो उसे 99281 करना होगा और 281 का फीस थोड़ा कम होगा। इसी प्रकार 282, 283, 284, 285 का अमाउंट जो होगा CPT का उसी अकॉर्डिंगली बढ़ता रहेगा उसी रेशो में।
और यूजुअली पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में विद इन 24 आवर्स में ही रहता है, 24 घंटे ज़्यादा उसे रखा नहीं जाता है, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर को उसे या तो एडमिट करना होता है या उसे डिस्चार्ज करना होता है या उसको ऑब्जर्वेशन के लिए में रखना होता है। आगे हम जो टर्म करेंगे वो इसी से रिलेटेड है। ऑब्जर्वेशन सर्विसेज, सर्विसेज रिसीव्ड अंडर ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल टू ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। जैसे कि ऊपर मैंने बताया, पेशेंट से पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आएगा, उसके बाद अगर उनको लगता है कि पेशेंट का जो डिजीज है उसको कोई इमीडिएट सर्जरी नहीं चाहिए या किसी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है डॉक्टर की, तो उसको जो भी होता है बेसिक ट्रीटमेंट देकर उसे ऑब्जर्वेशन केयर में रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन केयर में यूजली जो हमें, अगर आपको टाइम बेस बताऊं तो यूजली 3 दिन तक रखा जा सकता है, जिसमें पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है कि उसको प्रोग्रेस हो रही है उसके ट्रीटमेंट की, नहीं हो रही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया है किसी कंडीशन से, एक्सीडेंट हो गया है उसका, उसको तुरंत इमरजेंसी डिपार्टमेंट लेके आया जाता है। वहाँ डॉक्टर उसको इमरजेंसी में उसकी बोन को जोड़ देते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट, देन प्लास्टर लगा देते हैं, देन वो कहते हैं कि आपको 2 दिन में आपको आप घर जा सकते हो, लेकिन आपको हॉस्पिटल में रहना होगा कि हमें अब देखना है कि आपका जो बोन का अलाइनमेंट है वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसे वो ऑब्जर्वेशन केयर में रखता है, उसके बाद 3 दिन तक मैक्सिमम उसको ऑब्जर्वेशन में देखा जाता है कि जो बोन का जो जो उन्होंने डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया है वो जुड़ गया है अच्छे से, कोई 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 मतलब कुछ लीकेज वगैरह तो नहीं है फ्रैक्चर में, या पेशेंट को कोई अदर सिम्टम तो नहीं आ गए हैं, और यूजली 72 आवर्स के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है ऑब्जर्वेशन केयर से। जो ऑब्जर्वेशन केयर के सीपीटी होते हैं वो होते हैं 99217 से लेकर 99226। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन केयर में डिस्चार्ज जब करते हैं तो डिफरेंट सीपीटी कोड होते हैं, और जब इनिशियल ऑब्जर्वेशन में रखते हैं तो डिफरेंट कोड्स होते हैं, सब्सिक्वेंट ऑब्जर्वेशन में डिफरेंट सीपीटी कोड्स होते हैं, जो कि मैं डिटेल में आपको कोडिंग के चैप्टर्स में बताऊंगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इन पेशेंट सर्विसेज में। इन पेशेंट सर्विसेज में हमारे वह ट्रीटमेंट आते हैं जिन्हें डॉक्टर को लगता है कि ये 72 आवर्स से ज़्यादा ट्रीटमेंट में हमें टाइम लग सकता है। तो पेशेंट कई बार डायरेक्टली इन पेशेंट डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, जिनकी या तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की शेड्यूल सर्जरी होती है, तो उससे पहले सर्जरी से पहले काफ़ी सारे टेस्ट चाहिए होते हैं, रिकमेंडेशन चाहिए होती है, ऑथराइजेशन चाहिए होती है, कई सारी चीज़ें होती है, तो उसके लिए पेशेंट को एडमिट कर लिया जाता है पहले, क्योंकि यह है पता, ये मतलब ये पता होता है डॉक्टर्स को कि इस सर्जरी के बाद पेशेंट को एटलीस्ट 10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में रहना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोई भी मेजर सर्जरी होती है, मैं बोन फ्रैक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई हो सकता है कि ओपन हार्ट सर्जरी पेशेंट की हुई है या टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ है, जिसमें पेशेंट को बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है या उसके टांके जो होंगे वो खुल सकते हैं, तो इसलिए वो उसको पेशेंट को इन पेशेंट ट्रीटमेंट में रखा जाता है। यूजली जो इन पेशेंट सर्विसेज होती है वह मोर देन 72 आवर्स ही होती है। अगर 72 आवर्स से कम है तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। अगर उन्हें लगता है कि डॉक्टर को कि 72 आवर्स से ज़्यादा लगना चाहिए, हमें वेट करना है इसके लिए, तो फिर पेशेंट को इन पेशेंट डिपार्टमेंट में रखा जाता है। जो यहाँ इन पेशेंट डिपार्टमेंट में सीपीटी कोड यूज होते हैं वो रहते हैं 99221 से लेकर 99223, देन डिस्चार्ज के कोड होते हैं 99238, 239। मतलब डिस्चार्ज जब किया जाता है पेशेंट को ऑब्जर्वेशन या इन पेशेंट डिपार्टमेंट से, तो भी यहाँ पर यह देखा जाता है कि पेशेंट डिस्चार्ज के लिए रेडी है या नहीं है, सब उसके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, उसकी अभी कंडीशन क्या है, तो ये असेसमेंट किया जाता है। उसके बाद एक सीपीडी कोड पर्टिकुलर लगाया जाता है और पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है सर्विसेज से, हॉस्पिटल से, सॉरी। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि इवैल्यूएशन मैनेजमेंट की सर्विसेज, एक्चुअली जो इवैल्यूएशन मैनेजमेंट का जो चैप्टर है कोडिंग बुक्स के अकॉर्डिंगली, वो बहुत ही डिटेल में है इसमें, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि नर्सिंग डिपार्टमेंट भी होता है नर्सिंग हॉस्पिटल्स के लिए, और इवैल्यूएशन मैनेजमेंट कई सारे होते हैं, एम्बुलेंस भी होती है, एम्बुलेटरी सर्विसेज होती हैं, कई बार पेशेंट को जेल में ट्रीट किया जाता है, एम्बुलेंस के अंदर जो सर्विसेज दी जाती है पेशेंट को वो क्या होती हैं, उनके डिफरेंट सीपीडी कोड हैं, कुछ चीज़ें कंसल्टेशन के द्वारा ठीक होती है तो कंसल्टेशन के कोड होते हैं, और इसी तरह बहुत लंबी चौड़ी कैटेगरी है, जो कि अगर आपको अभी बताऊंगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए पूरा एक्सप्लेन करना और आपको समझने में ये प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने अभी इसको थोड़ा छोटा रखा है। मैंने आपको केवल उन चीज़ों के बारे में बताया है जो चीज़ें यूजुअली बिल होती है, क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है वो यूजुअली क्या करता है कि वो है हॉस्पिटल में एक टाइप करके हॉस्पिटल में ही पेशेंट को देखता है, देन उन पेशेंट्स को कॉल करता है अपने ऑफिस में ही बुलाता है, या अपने ऑफिस के पेशेंट्स को हॉस्पिटल में रेफर करता है कि मैं आपका ट्रीटमेंट ऑफिस में नहीं कर सकता हूँ, आपको एडमिट होना पड़ेगा उसके लिए। तो ये दो टाइप की सर्विसेज हमारे ईएनएम के अंदर बहुत ज़्यादा बिल होती है, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं मेरे वह सभी हॉस्पिटल में भी जाते थे एंड देन पेशेंट्स को अपनी क्लिनिक पे भी देखते थे, तो
तो ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट कई बार हो जाता था कि मैं पेशेंट को इस्टैब्लिश मानूं या न्यू मानूं। तो इसलिए मेरे पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए कि न्यू पेशेंट की डेफिनेशन क्या है, इस्टैब्लिश की डेफिनेशन क्या है, जिससे कि मुझे डिनायल्स को अवॉइड कर सकूं, डिनायल्स के ऊपर काम भी कर सकूं। तो डिनायल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, आपको ये सब पता होना चाहिए कि पेशेंट कहाँ देखा गया है पहले। अगर वो ऑफिस में देखा गया है तो वो वहाँ के लिए न्यू होगा, और अगर वो हॉस्पिटल देखा गया तो हॉस्पिटल के लिए न्यू होगा। न्यू इस्टैब्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है डिनायल्स को रोकने के लिए। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स मेडिकल लेबलिंग सीखना चाहते हैं इजी लैंग्वेज में, उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि सब लोग अपनी नॉलेज बढ़ा सकें और इस करियर में उनको हेल्प मिले। तो मैं आपको अब बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।